हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड, आज है विश्वकर्मा पूजा, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और अपने फोर व्हीलर वगैरह की और मतलब साइकिल की, स्कूटी वगैरह की, सभी की पूजा करने जा रही हूँ। तो आप लोग ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और विश्वकर्मा पूजा की सभी लोगों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, पूजा स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और गाड़ी को जल से, मतलब पहले तो धो लेते हैं, फिर उसके बाद में जल से थोड़ा बहुत जल छिड़काव कर देते हैं, फूल वगैरह से नहला देते हैं गाड़ी को। और वैसे घर पर कोई नहीं था, हम ही थे, तो बाइक उतनी अच्छे से तो नहीं धुले थे, बट धुले थे। धुल मतलब साफ़ सफाई करने के बाद ही पूजा स्टार्ट की जाती है, तो मैंने इसीलिए धुल दिया था। तो चलिए, पूजा स्टार्ट हो गई है हमारी और गाड़ी पर हम बना ले रहे हैं सात्विक। तो आप लोग जिसको जिसको भी बनाना आता है तो बनाइए, नहीं तो ऐसे ही टीका उका, चंदन का टीका, हल्दी या सिंदूर का 4-5 बार तिलक लगा दीजिए और उसके बाद में ही पूजा करिए। और इधर देखिए, परी भी नहा रही थी, वो भी बोल रही थी कि हाँ मैं भी पूजा करूँगी, बट वो अपनी साइकिल धुलने के चक्कर में उसको देर हो गई थी। मैंने बोला साइकिल भी अपनी धुल दो और मैं उसकी भी पूजा करूँगी, तो वो साइकिल धुल ली। उसके बाद में फिर नहाई छाटी और देखिए, अब कैमरा मैन भी बन गई है, मोबाइल को उठा ली है अपने हाथों में और चल वो दिखा रही है मेरा वीडियो कि मैं कैसे बना रही हूँ सात्विक वगैरह। तो चलिए, आप लोग देखिए मैं कैसे बना रही हूँ और आप सभी लोगों को बार बार ही बोलूँगी हैप्पी गुरु विश्वकर्मा। और चलिए, मैंने देखिए सात्विक बना लिया है और फूल वगैरह भी चढ़ा दिए हैं, प्रसाद चढ़ा देती हूँ। कुछ केले मैंने काट लिए थे और कुछ ऐसे रख दिए थे जो मतलब प्रसाद था और लड्डू है। और उसके बाद में फिर पूजा करने के बाद में मैं सभी प्रसाद को बांटूँगी, सब इसीलिए काट कर ही बांटूँगी क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे और घर पर भी कोई नहीं था। हम भी पूजा अकेले किए थे और मेरे हस्बैंड जी होते साथ में, वो भी करते, वो यहाँ पर तो नहीं थे, वो दूर थे, तो उन्होंने वहाँ पर किया था और मुझे बोला तुम घर पर कर दो। तो चलिए देखिए, दिखा रहे हैं, धूपबत्ती जला लिए हैं। और फ्रेंड, धूपबत्ती को दिखाने के बाद में इसको मैं गाड़ी वगैरह पर तो नहीं लगाऊंगी, इसको अलग लगा दूंगी क्योंकि गाड़ी पेट्रोल की या डीजल की होती है, तो उस पर नहीं लगाना। कोई भी पूजा करे तो गाड़ी पर धूपबत्ती, अगरबत्ती, कुछ भी हो तो गाड़ी पर नहीं लगाना, गाड़ी से थोड़ा दूर ही लगाना। तो मैंने लगा दिया है और देखिए, आप लोग हाथ जोड़ लेती हूँ विश्वकर्मा जी से कि हाँ सभी घर पर सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो चलिए, उसके बाद में कर देती हूँ स्कूटी की पूजा। तो आप लोग देखिए कैसे हो रहा है मेरा पूजा, मतलब कोई भी गलतियाँ या कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि मुझसे क्या क्या गलती हुई है। मुझे मेरी समझ में जैसे जैसे आता था मैं वैसे कर रही हूँ। और फिर घर पर जो पूजा की थी भगवान के मंदिर में, तो वहाँ विश्वकर्मा पूजा की, विश्वकर्मा महाराज की आरती वगैरह सब कुछ की थी। और पूजा की टाइम में सिर्फ भगवान की, मतलब पूजा यहाँ पर गाड़ी वगैरह की थी और मंदिर में फिर जो है विश्वकर्मा भगवान की हम परी श्रद्धा सभी लोग ने आरती भी की थी। तो चलिए, स्कूटी की पूजा भी कर दे रहे हैं और धूपबत्ती वगैरह लगा दे रहे हैं। इसको इसलिए धूपबत्ती यहाँ पर लगा दे रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी ना ही तो डीजल की है और ना ही पेट्रोल की है, और इसीलिए इसको हम यहाँ पर लगा दिए हैं। चलिए, मैं हाथ वगैरह जोड़ लेती हूँ गाड़ी को भी, कहते हैं ना कभी कभी सबके दिन आते हैं। तो चलिए, हाथ वगैरह जोड़ ले रही हूँ और कह रही हूँ सब कुछ ही कुशल मंगल हो हमारे घर पर, सब कुछ ठीक ठाक रहे, भगवान विश्वकर्मा भगवान सब कुछ ठीक ठाक करें। और मेरे साथ साथ मेरी बेटी श्रद्धा भी पूजा कर रही है। देखिए, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए, जल्दी जल्दी से पूजा करने के लिए, वो भी जाती, जो जो कुछ उसके समझ में आता है वैसा ही कर रही है। तो चलिए, परी की साइकिल की पूजा भी कर देते हैं क्योंकि परी ने अपनी साइकिल धुली थी, तो उसकी भी पूजा कर दे रहे हैं और टीका उका लगा दे रहे हैं। देखिए आप लोग, और टीका किस चीज़ का है, हल्दी है, चावल है और सिंदूर भी है। तो आप लोग चंदन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, बट मेरे घर पर तो चंदन नहीं था टाइम पर, तो सिंदूर और हल्दी चावल ले लिए थे, शुभ माना जाता है हल्दी चावल को भी। और श्रद्धा को देखिए, वो जो जो मुझे देखती है वैसा ही कर रही है। तो चलिए देखिए, श्रद्धा बोल रही थी कि हमें भी पूजा करनी है, तो फूल वगैरह साइकिल पर भी चढ़ा दिए हैं। आप लोग
आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और इसको भी धूप बत्ती दिखा देती हूँ, साइकिल को भी। और पूजा वगैरह करने के बाद में फिर प्रसाद बटेगा, तो प्रसाद वगैरह भी बटेंगे। और बट उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ना इसकी गैलरी सेव हो गई थी, पूरी भर गई थी स्टोरेज का, तो इसलिए इसके बाद में उसका वीडियो नहीं बना। जितना बना उतना ही बना, उसके बाद में और वीडियो नहीं बना है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर।